अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो दोस्तों, आज हमारा लारावेल के ऊपर ये लेक्चर नंबर 12 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस या टेम्पलेट लेआउट। टेम्पलेट इनहेरिटेंस या टेम्पलेट लेआउट क्या होते हैं? टेम्पलेट इनहेरिटेंस लेआउट डिफाइंस द कॉमन लेआउट अक्रॉस ऑल द वेब पेजेस, ऑल द वेब एप्लीकेशंस हैव द मास्टर पेज लेआउट टू डिफाइंस द कॉमन लेआउट अक्रॉस द ऑल वेब पेजेस। द मास्टर पेज लेआउट इज अवेलेबल इन द रिसोर्स व्यूज लेआउट्स डायरेक्टरी। टेम्पलेट इनहेरिटेंस तमाम वेब पेजेस में कॉमन यूज होता है, हेडर हो गए, फुटर हो गए, तो उनके लिए फिर हम यानी कि हर पेज में हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, हर पेज में हम उनके कोड को जो है वो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम एक फिर अलग लेआउट बना लेते हैं उनके लिए, और वो जो उनका सेंटर वाला कंटेंट होता है तो वो चेंज होता है, लेकिन ऊपर जो हेडर होता है और जो फुटर होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि हमारे पास नेव बार हो गए, उसमें जो लोगोज आ रहे होते हैं, बटन्स आ रहे होते हैं, वो सारे सेम होते हैं, और नीचे फुटर में भी हमारे पास एड्रेस वगैरह आ रहे होते हैं तो वो सेम होते हैं, लेकिन जो दरम्यान वाला कंटेंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये भी लारावेल का एक ज़बरदस्त फीचर है और इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसकी जो डायरेक्टरी है वो रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे लेआउट्स के नाम से हम एक और फोल्डर बनाएंगे तो ये इसकी डायरेक्टरी बन जाएगी। तो चलें हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं इसके लिए ओपन करूँगा अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। पहले वीडियोज़ में मैंने बताया कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो हर बार नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये काम हमने पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 11 में, तो ये अभी रहने देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैं दोबारा से इसको कोलैप्स कर देता हूँ सारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे लेआउट्स के नाम से एक और फोल्डर नहीं है जो जहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टिव बताई थी, लेकिन यहाँ पे हम खुद से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस व्यूज़ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और इसके बाद न्यू फोल्डर पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर जो आप बना सकते हैं लेआउट्स के नाम से। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने फोल्डर बनाया तो आप देख सकते हैं फोल्डर हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जो मेन फाइल होगी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब लेआउट्स के अंदर हमने एक फाइल बनानी है, तो लेआउट्स पे क्लिक करेंगे, तो लेआउट्स पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। इस फाइल में क्या होगा, ये फाइल हमारा मेन फाइल है, तो इसके साथ हम एक और बना लेते हैं लेआउट्स के अंदर। मैं बना लेता हूँ एक और फाइल नाम से हेडर बना लेता हूँ, हेडर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। और एक और फाइल मैं बना लेता हूँ इसी लेआउट्स फोल्डर के अंदर, फुटर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। मैं ये फाइल बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये फुटर की फाइल है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज फुटर। दिस इज द फुटर, और इसे सेव कर लेता हूँ। इसी को सारा कॉपी करके अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हेडर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज फुटर और दिस इज हेडर, तो ये मैंने लिखा, और इसे कंट्रोल सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। तो अब मैंने ये जो दो फाइलें बनाई है, अब मैं क्या करूँगा इसी मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एट द रेट साइन का यूज़ करना है, इंक्लूड लिखना है। तो जैसे आप इंक्लूड लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लेआउट्स, लेआउट्स के फोल्डर डॉट हेडर, तो ऊपर हेडर आना चाहिए, हम ये यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पहले हेडर आएगा तो उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड फुटर लेआउट्स डॉट फुटर, यानी कि लेआउट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फाइल है फुटर की, तो वो हमें क्या कर दे, यहाँ पे इंक्लूड करा दे, यहाँ पे ऐड करा दे। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने इसे सेव किया, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसी इंडेक्स वाली फाइल को जो हमने कल बनाए थे, अब इसको हमने मास्टर ब्लेड वाली फाइल में इंक्लूड कराना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इंक्लूड का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे अब लिखेंगे, यानी पहले हमने यहाँ पे लिखना है मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में, यहाँ पे हमने यील्ड करना है, यील्ड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे जो मैंने कंटेंट लिख रहा है, तो जिस फाइल को आप यहाँ पे यील्ड कराएंगे तो वहाँ पे इस कंटेंट का यूज करेंगे, सेम इसी का, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक आ गई तो फिर वो फाइल जो है वो यहाँ पे यील्ड नहीं होगी, यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और यहाँ पे अब आते हैं इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में। तो अब यहाँ पे आपने ऊपर ऊपर लिखना है एक्सटेंड एट द रेट एक्सटेंड। तो एक्सटेंड जैसे लिखेंगे तो किस में एक्सटेंड कराना है, लेआउट्स में, लेआउट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे मास्टर, मास्टर की एक फाइल है, यानी मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की जो हमारे पास फाइल है उसमें हमने इसको एक्सटेंड कराना है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन में क्या आएगा, सेक्शन में वो नाम आएगा जो हमने वहाँ पे यील्ड में लिखा था, जो मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में यहाँ पे यील्ड में लिखा था वही आएगा हमारे यहाँ पे सेक्शन में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमने यील्ड कराना है उस मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में शो कराना है। यहाँ पे मैं एंड पे भी एंड सेक्शन, ये भी ज़रूरी है आपने लिखना है एंड सेक्शन, एंड सेक्शन लिखा और इसे मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल सेव करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपने टर्मिनल को जो है वो न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन होके यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे अपना कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे कमांड लिखना है अपने पी एच पी आई टी सेंसर, तो ये क्या करेगा हमारे प्रोजेक्ट को रन करके दे देगा। तो अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो अब ये एक क्रोम को खोल देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो वो रन होके आ गया। हमारी जो इंडेक्स की फाइल थी वो अब हमने कैसे ओपन कर ली है, यहाँ पे लिखना है इंडेक्स, क्योंकि राउट इसी नाम से बनी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने इंडेक्स लिखा तो यहाँ पे उसने क्या किया, दिस इज द हेडर, वेलकम टू माई चैनल मरजान टेक अमीन गौरी, दिस इज द फुटर। तो ये अमीन गौरी जो आ रहा है ये हमारे कोड में से आ रहा है यहाँ पे। तो ये पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं ब्लेड डॉट पी एच पी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स वाली फाइल थी उसमें वेलकम टू माई चैनल मरजान टेक हमने सिर्फ लिखा है, लेकिन उसने क्या कर दिया यहाँ पे हेडर और फुटर को भी शो करा दिया, जो हमारे इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हेडर है, ये फुटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।